असलकम क्लास फाइव दिस इज़ आवर कंप्यूटर क्लास हमने क्लास चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन स्टार्ट किया किया था जिसका हम फर्स्ट स्टेप टू द इंटरनेट इसको हमने हाफ रीड कर लिया था अब हम इसकी आगे रीडिंग करेंगे पेज नंबर वन ट्वेंटी एट मॉडर्म मॉडम क्या होता है अ मॉडम इज़ अ डिवाइस डेट अलाउज़ अ कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कम्प्यूटर्स मॉडम स्टैंड फॉर मोड्यूलेटर डी मोड्यूलेटर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडम्स केबल टेलीफो टेलीफोन एंड वायरलेशस मॉडम अब मॉडम क्या होता है क्लास एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कम्प्यूटर में जो है वो ट्रांसफ़र करती है मतलब एक कंप्यूटर uh, को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है ठीक है मॉडम जो है वो डी मॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर मतलब इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर ठीक है और इसकी तीन uh, किस्में होती हैं केबल टेलीफोन एंड वायरलेस मॉडम अब केबल मॉडम क्या है केबल मॉडम इज अ डिवाइस डेट हेल्प्स यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू अ लोकल केबल टी वी लाइन इट इट हैज़ टू कनेक्शंस वन टू द केबल आउटलेट एंड द अदर टू अ कंप्यूटर ठीक है अब जो केबल मॉडर्न होता है ये कैसे डिवाइस है जो कंप्यूटर को के लोकल केबल टीवी लाइन के साथ कनेक्ट करती है मींस के आ, इसके अंदर जो है वो एक रिसीवर बॉक्स होता है इस इसके साथ जो है वो रिसीवर बॉक्स यूज़ होता है वो जो रिसीवर होता है वो सिग्नल्स को कैरी करके टीवी के अंदर ट्रांसफ़र करता है इस तरह आप अपने टी वी पे जो है वो यूट्यूब को और नेट को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अ टेलीफोन मॉडम अ टेलीफोन मॉडम इज़ अ डिवाइस डेट हेल्प यूर कनेक्ट कनेक्ट योर कम्प्यूटर टू अ टेलीफ़ोन लाइन टू एसेस इंटरनेट सर्विस अब टेलीफोन मॉडम के होता है एक ऐसी डिवाइस है जो कम्प्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कोनेक्ट करती है और इस तरह से आपको इंटरनेट के सिग्नल्स मिलते हैं अ वायरलेस मॉडम ट्रांसमिट्स आर कैरीज the data single uh, data signals through the air instead of through a cable it is specially designed to work with cellular networks like cell, phone, uh, cell phones and wireless local एरिया नेटवर्क्स ठीक है वायरलेस मॉडम मींस के तार के बग़ैर वाला मॉडम ये ऐसा मॉडम है जो डाटा को जो सिग्नल्स या डाटा को जो है वो हवा के ज़रिए ट्रांसफ़र करता है इसके लिए तार की ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है और इसकी एग्जांपल आपको सेलफ़ोन जो आपके मोबाइल हैं ये बेहतरीन एग्जांपल है क्योंकि मोबाइल में जो आप नेट यूज़ करते हैं वो आप तार के बगैर यूज़ करते हैं उसमें आप वायर का इस्तेमाल नहीं करते ठीक है अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ है सेलुलर नेटवर्क सेलुलर नेटवर्क क्या होता है सेलुलर नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क ठीक है मीनस के जैसे जोंग और चेज़ वगैरह के सिम पे आप वो सिम यूज़ करके आप नेट uh, इस्तेमाल करते हैं ठीक uh, है वो सेलुलर नेटवर्क है मीनस के सेल फोन के ऊपर जो आप नेट uh, यूज़ करते हैं और वायरलेस लोकल एरिया uh, जो है uh, मतलब जब पीटीसीएल वगैरह uh, ब्रॉड ब्रांड ब्रॉड ब्रांड वगैरह जो हैं ठीक है ब्रॉड बैंड जो नेटवर्क्स हैं ये आप यूज़ करके तो आ, नेट इस्तेमाल करते हैं ठीक है मॉडर्न कैन बी आइर इंटरनल और एक्सटर्नल ठीक है और मॉडर्न क्या है कि अंदरूनी भी होते हैं और बैरूनी भी होते हैं एन इंटरनल मॉडर्म इज़ फिटेड इन साइड कम्प्यूटर वियर एज एन एक्सटर्नल मॉडर्म इज़ प्लेसड आउट द कम्पूटर एन एक्सटर्नल मे बी वाइड और वायरलेस ठीक है अब मॉडम्स जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों किस्म के हो सकते हैं जो इंटरनल मॉडम होता है ये कंप्यूटर के अंदर होता है जो एक्सटर्नल होता है ये बाहर होता है ठीक है और जो एक्सटर्नल मॉडम होता है ये वायरलेस भी होता है वाइड भी होता है मीन्स के ये इसके साथ तार भी कनेक्ट होती है या ये तार के बग़ैर भी होता है द स्पीड ऑफ अ मॉडम इज़ मेड इन बी पी बी पी एस बिट्स पर सेकेंड ठीक है अब जो स्पीड मैयर की जाती है मॉडर्म की वो किस में मैयर की जाती है बिट्स में ठीक है मतलब पर सेकेंड अब क्लास यहाँ पे इंटरनल uh, मॉडर्म की पिक्चर दिखाई गई है ठीक है और ये एक्सटर्नल मॉडर्म है ठीक है अब इस uh, जो वायरलेस है ठीक है ये वायरलेस है एक्सटर्नल मॉडर्म इस तरह से क्लास हमने मॉडर्म की रीडिंग की अब आपने भी इसकी इसको रीड करना है और इसको अच्छे से समझना है अल्लाह हाफिज़